हेलो दोस्तों, अल्फ़ाबेटिकल मैट्रियामेटिका की सीरीज में आज की मेडिसिन है एस्कुलस ग्लैबरा। दोस्तों, एस्कुलस से दो मेडिसिन आती है, एक एस्कुलस हिपो जो अपन लोग देखते हैं ओपीडी में प्रिस्क्रिप्शन होते हुए या आज तक जो आप पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन उससे एक और है एस्कुलस ग्लैबरा। दोस्तों, ये भी मेडिसिन काफ़ी इफ़ेक्टिव है और काम करती है। सेम सिम्टम है लगभग, पाइल्स विथ कॉन्स्टिपेशन। अगर पेशेंट पाइल्स के साथ कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन कर रहा है तो आप एस्कुलस ग्लैबरा भी सोच सकते हैं। ठीक है, नॉटी स्टूल है, इसमें हार्ड है, ठीक है, पेनफुल पाइल्स होगा, ठीक है, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, मैं इस मेडिसिन को काफ़ी यूज करता हूँ, एस्कुलस ग्लैबरा, और ये कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, अगली मेडिसिन है एस्कुलस हिप्पो। इसका क्या इंडिकेशन है? पाइल्स विथ कॉन्स्टिपेशन, बहुत ज़्यादा पेन होता है, स्टूल जाने के बाद से घंटों तक पेन बना रहता है। ठीक है, अगर पेशेंट पाइल्स के साथ बैकएक का कंप्लेन करे तो एस्कुलस हिप्पो आपकी कंफर्म हो जाती है। इसे किसी पेशेंट की पाइल्स से और रेडिएट होके इसका पेन सैक्रम तक जा रहा है, प्यूबिस तक जा रहा है, हिप रीजन तक आ रहा है, पूरा कमर में दर्द रह रहा है, तो आप एस्कुलस हिप्पो सोच सकते हो। इन जनरल सिर्फ बैकएक है तब भी आप एस्कुलस हिप्पो सोच सकते हो। दोस्तों, एस्कुलस की जो पाइल्स है, जैसे कि आप देखते हो कि पाइल्स का पेशेंट आया, हेमरॉइड्स का पेशेंट आया, तो आप एस्कुलस सोच लेते हो। दोस्तों, इसमें रेक्टम प्रोलैप्स है, पेनफुल है, ऐसा लगता है कि नाइफ रखा हुआ और उस नाइफ चाकू कटिंग पेन टाइप का होता है। अगर कोई बोले जैसे लगता है शीशा रखा हुआ, वहाँ पर शीशा टूट गया है, ब्रोकन है जिस ग्लास, तो आप रेटेनिया सोचोगे। लेकिन कटिंग टाइप का पेन अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है तो आप एस्कुलस हिप्पो की तरफ जाओगे। दोस्तों, इसका इंडिकेशन एस्कुलस का यही है कि पाइल्स में पेन होगा, रेक्टम प्रोलैप्स भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा वैसे ब्लीडिंग नहीं होता है एस्कुलस में, लेकिन कुछ पेशेंटों में देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर इसकी ब्लाइंड पाइल्स होती है और रेक्टम के अराउंड नॉट बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं, मस्सा टाइप का जिसका कंप्लेन करते हैं, और साथ में बैकएक हो तो आप एस्कुलस की तरफ जा सकते हो। ड्राइनेस ऑफ रेक्टम है, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, रूटाजी इज द थेरेप्यूटिक्स मेडिसिन। ठीक है, तो इन जगहों पे आप सोच सकते हो। हेमरॉइड्स के अलावा ये जो है आप लीवर डिजीज में भी सोच सकते हो। कभी कभी जॉन्डिस वगैरह अगर किसी को हुआ है, बाइल्स लेस है स्टूल में, अगर स्टूल में बाइल कम आ रहा हो तो आप सोच सकते हो। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में पेन हो रहा हो, लीवर रीजन में पेन हो रहा हो, तो आप एस्कुलस हिप्पो सोच सकते हो। बॉक्स वगैरह में क्रोनिक लिकोरिया में दिया गया है कि आप बहुत पुराना लिकोरिया है, ठीक नहीं हो रहा है, तो एस्कुलस हिप्पो सोच सकते हैं। कितना काम करती है मुझे नहीं पता। सिंपल अगर बैकएक हो फ्रेंड्स, सिर्फ दर्द हो, पाइल्स नहीं हो, कमर दर्द का पेशेंट लेके आ रहा हो, चलने फिरने में स्टैंडिंग से उसको एग्रेवेशन हो, सैक्रम और हिप रीजन में पेन बता रहा हो, तो आप एस्कुलस हिप्पो तब भी सोच सकते हो। ठीक है, हो सकता है क्या कि ये पेन जो है शोल्डर के बीच में भी हो, तो शोल्डर के बीच तक दर्द जा रहा हो, चलने फिरने से, बेंडिंग से फॉरवर्ड और मोशन से एग्रेवेशन हो, तो आप सिंपल बैकएक में भी एस्कुलस सो सकते हो। लेकिन एस्कुलस जो पाइल्स में इसकी कॉलिंग है कि ये जो है काफ़ी पेन होगा, स्टैंडिंग से स्टूल हार्ड होगा, ड्राई होगा, बहुत दिक्कत से पास आउट होगा, हो सकता है कि नॉट हो, मस्से वगैरह हो अराउंड एनस, ठीक है, कंजेशन होगा पूरा, और साथ में बैकएक हो सकता है, ठीक है, तब आप एस्कुलस हिप्पो सोच सकते हो। दोनों मेडिसिन इफेक्टिव है दोस्तों। वैसे ग्लैबरा कोई यूज नहीं करता, आप यूज करके देखें, काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है, ये भी आसानी से अवेलेबल भी हो जाती है, और एस्कुलस हिप्पो तो सब लोग यूज करते ही हैं। तो बहुत ज़्यादा एस्कुलस के बारे में, एस्कुलस हिप्पो के बारे में किताब में लिखा हुआ है, आप याद कर सकते हैं तो याद कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना पॉइंट तो याद होना चाहिए, जो की पॉइंट है इसका, आप इतना ज़रूर याद रखें कि पाइल्स विद कॉन्स्टिपेशन, मच पेन होता है, साथ में बैकएक हो सकता है, ठीक है, और सिंपल बैकएक में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, बाकी आप अपने रिस्पेक्टिव बुक से पढ़िए। ठीक दोस्तों, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।